प्यारे बच्चों, मैं राम ठाकुर प्रजापति पंडित दीनदयाल इंटरमीडिएट कॉलेज महाराजगंज अपने अगले वीडियो के साथ प्रस्तुत हूँ। प्यारे बच्चों, आज आपको पढ़ेंगे विज्ञान विषय में भोजन के स्रोत। आज आप लोग भोजन के स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे कि भोजन हमको कहाँ से प्राप्त होता है, किन किन चीज़ों से हमको भोजन प्राप्त होता है। तो प्यारे बच्चों, भोजन जो है, भोजन के जो स्रोत होते हैं हमको दो प्रकार से प्राप्त होते हैं, दो माध्यमों से प्राप्त होते हैं, या दो स्रोतों से यह खाद्य पदार्थ हमको प्राप्त होते हैं। पहला है पौधों से प्राप्त भोजन और जंतुओं से प्राप्त भोजन। पौधों से भी प्राप्त होते हैं और जंतुओं के द्वारा भी यह भोज्य पदार्थ हमको मिलते हैं, जिनका हम खाद्य पदार्थ में इस्तेमाल करते हैं। पौधे, प्यारे बच्चों, सबसे पहले जानना है कि पौधे के बारे में थोड़ी सी चर्चा हो जाए। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, यानी कि उसमें परिणाम होता है और वह पेड़ पौधे जो हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उनको उत्पादनकर्ता भी कहा जाता है। हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वह सूर्य की उपस्थिति में वह खनिज लवण की जड़ द्वारा खनिज लवण अवशोषित करते हैं और कार्बन डाई वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसके द्वारा वह अपना भोजन बनाते हैं। प्यारे बच्चों, प्रकाश संश्लेषण क्रिया जब संपन्न होती है तो पौधे तमाम प्रकार के खाद्य पदार्थ उत्पन्न करते हैं, जैसे तने के रूप में, फल के रूप में, बीज के रूप में। यह तमाम उत्पाद जो उत्पन्न करते हैं वह हम अपने खाद्य पदार्थ में इस्तेमाल करते हैं। तो इसी क्रम में हम आप लोगों को बताएंगे कि पौधों से जो प्राप्त भोजन होते हैं वह कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले पौधों से जो उत्पाद होता है फल। सब लोग फल के बारे में जानते हैं, जैसे आम, सेब, अमरूद, अंगूर, लीची आदि तमाम प्रकार के ऐसे फल होते हैं जो पौधे हमको देते हैं या पौधों के द्वारा प्राप्त होता है और हम खाद्य पदार्थों के रूप में उसको इस्तेमाल करते हैं। उसी अगले क्रम में पेड़ पौधों से सब्जियां मिलती हैं, तमाम प्रकार की सब्जियां मिलती हैं हमें पौधों के विभिन्न भागों सब्जियों के रूप में मिलती हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं उनके विभिन्न भागों का प्रयोग हम सब्जियों में करते हैं, जिसमें सबसे पहला जड़। तमाम प्रकार के पौधे ऐसे होते हैं जिनका जड़ जो है वह सब्जियों के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे गाजर, शलजम, चुकंदर, शकरकंद आदि। इतने पौधों की जड़ें जो हैं वह हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसी क्रम में जड़ के बाद कुछ ऐसे तने होते हैं पेड़ पौधों के, जिसका हम इस्तेमाल भोज्य पदार्थों में करते हैं, खाने की वस्तुओं में उसका प्रयोग करते हैं, जैसे आलू है, प्याज है, अदरक है, लहसुन है। इन तमाम प्रकार के जो तने होते हैं उनका हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी पत्तियों का हम प्रयोग खाने में करते हैं, जैसे सब लोग जानते हैं पालक, बंद गोभी, धनिया, पुदीना, तुलसी, तमाम प्रकार के ऐसे पौधे हैं जिनकी पत्तियों का प्रयोग हम खाने में करते हैं। उसके बाद फूल, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके फूल का प्रयोग हम खाने की वस्तुओं में करते हैं, जैसे फूल गोभी। पौधे से उत्पाद जो फूल होता है फूल गोभी का प्रयोग हम सब्जी के रूप में करते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके बीज का हम प्रयोग खाने की वस्तुओं में करते हैं, जैसे तमाम प्रकार के दालें, जैसे अरहर, मसूर, मटर, तमाम प्रकार के, जैसे चावल है, गेहूं है, ये सभी पौधों के बीज होते हैं जिनका हम इस्तेमाल खाने की वस्तुओं में करते हैं।
प्यारे बच्चों, आज का वीडियो बस इतना ही। इसके बाद हम अगले वीडियो में प्रस्तुत होंगे। इससे संबंधित जो भी बातें बताए हैं, इससे संबंधित हम आपको होमवर्क देंगे, जिसका जवाब वीडियो में, इस वीडियो में उपस्थित होगा, रहेगा, और उसका उत्तर आप लोग लिख के डालेंगे।